वेलेंटेस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। कई दिन लगातार बारिश के चलते लिसाड़ी गेट के न्यू ईदगाह गोल्डन कॉलोनी में दो मंजिला मकान भर भरा कर गिर गया, जिसकी चपेट में आकर पड़ोसी शहजाद का मकान व छज्जा क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि मकान के अंदर कोई नहीं था, जिससे जनहानि होने से बच गई। बताया गया है कि आज सुबह 4 बजे के करीब मकान की निचली दीवार खिसक गई थी। इसके कुछ ही घंटे बाद मकान अचानक भर भरा कर गिर गया। मकान के आसपास मौजूद 3 दुकानें भी धराशाही हो गई। बता दें, इस 2 मंजिले मकान का कुछ हिस्सा पिछले वर्ष भी बारिश के दौरान गिर गया था। जानकारी के अनुसार लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की गोल्डन कॉलोनी में वासिक जैदी का 2 मंजिला मकान है। मकान के आसपास 3 दुकानें भी बनी हुई थी। मेरठ में पिछले 3 दिन हुई लगातार बारिश के बाद बुधवार को मकान की नींव हिलने लगी और तकरीबन 4 बजे निचली दीवार थोड़ी सी खिसक गई। दीवार खिसकने की जानकारी लगते ही परिजनों ने आसपास के लोगों को अलर्ट कर दिया। वहीं दोपहर को तेज धूप निकली तो मकान भर भराकर मलबे में तब्दील हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जानकारी ली। पुलिस के अनुसार सुबह के समय क्षेत्र की ज्यादातर दुकानें खुली नहीं थी। वहीं मकान गिरने के दौरान मौके पर कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। शहजाद का मकान व छज्जा क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि मकान के अंदर कोई नहीं था। मोहल्ले वासियों ने बताया कि शहजाद ने मकान मालिक से अपने मकान में हुए नुकसान की मरम्मत कराने को कहा है। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।